हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम बहुत ही आसान तरीके से बूंदी के लड्डू बनाएंगे। तो पहले मीठी बूंदी बनाएंगे, फिर उसके हम लड्डू बनाएंगे। तो इन लड्डू को आप खास अवसर पर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। जैसे कि मैंने आपको कहा, आसान तरीके से बनाएंगे। तो बूंदी बनाने के लिए आपके पास झारा ना भी हो, फिर भी आपके पास घर पर इस प्रकार का झारा तो रहेगा ही। तो इस झारे से भी गोल बूंदी बनती है, या फिर आपके पास ग्रेटर हो उससे भी गोल गोल बूंदी बनेगी हमारी। मेरे पास ये प्लेट है छेद वाली, इससे भी मैं बूंदी बनाती हूँ। अगर आपके पास बूंदी बनाने का झारा हो तो इसका यूज़ करें। ओके, अब बूंदी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम बेसन लिया है, बारीक बेसन है। अब इसमें पीला कलर डालेंगे या फिर केसर का पानी डालें। अच्छे से मिला लेते हैं सारी चीज़ों को पहले। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाते हुए इसका हमें गाढ़ा मिश्रण तैयार कर लेना है। ध्यान रखें इसमें गाँठियाँ नहीं रहने चाहिए। ध्यान रखें ये मिश्रण ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। अगर ये मिश्रण गाढ़ा हुआ तो बूंदी बहुत ही हार्ड बनेगी, यानी कड़क बनेगी, और इसमें पानी ज़्यादा हुआ तो बूंदी गोल नहीं बनेगी और बहुत ही नरम बनेगी। इसमें 1 कप और थोड़ा सा पानी डाला है मैंने, ये डिपेंड करता है आटे के अनुसार। तो बूंदी बनाने के लिए इस प्रकार बैटर होना चाहिए। अब इस घोल को हमें 10 से 15 मिनटों के लिए ढककर रखेंगे। 15 मिनट होने के बाद चेक करते हैं, बैटर को अच्छे से मिक्स करेंगे। बेसन थोड़ा फूल जाता है। अब इसमें हम 1/4 चम्मच इतना खाने का सोडा मिलाएंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सोडा मिलाने से बूंदी अच्छे से फूल जाती है। अगर आपको मिश्रण गाढ़ा लगे तो थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। तो चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने घी को कढ़ाई में गर्म होने के लिए रखा है, चाहे तो आप इसे तेल में भी फ्राई कर सकते हैं। तो पहले थोड़ा सा घोल डालेंगे चेक करने के लिए। देखिए बूंदी तुरंत ही फ्राई होकर ऊपर आ रही है। तो अब झारा लेते हैं और उसमें थोड़ा सा घोल डालेंगे और चम्मच से धीरे धीरे चलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं एकदम गोल गोल बूंदी बन रही है। तो बूंदी को हमें मीडियम आंच पर फ्राई कर लेना है। 1 मिनट भी नहीं लगता इसे फ्राई होने के लिए। अब इसे हम निकाल लेते हैं। फ्राई की हुई बूंदी को हम किचन टॉवल पेपर में निकालेंगे ताकि इसमें जो भी एक्सेस घी या तेल होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब मैं आपको इस ग्रेटर में दिखाती हूँ। देखिए इससे भी बहुत ही अच्छी तरह से बूंदी बन रही है। अगर आपका बैटर यानी घोल बहुत ही पतला हुआ तो बूंदी कढ़ाई के तले पर लग जाती है और वो फ्लैट बनती है, यानी गोल भी नहीं बनेगी बूंदी। तो बूंदी बनाने के लिए परफेक्ट कंसिस्टेंसी बहुत ही मैटर करती है, तभी बूंदी है वो परफेक्ट बनती है। बूंदी बनाते वक्त इस बात का आपको बहुत ही ध्यान में रखना है, एक बैच होने के बाद झारे को आपको धोकर उसे पोंछ लेना है और यानी साफ़ कर लेना है, तभी आप इसके ऊपर घोल डालें और बूंदी बनाइए। तो मैं इसी प्रकार फटाफट बूंदी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बचे घोल की लाल और हरे कलर की बूंदी बनाई है। एकदम गोल गोल बूंदी बनी है हमारी। अब चाशनी बना लेते हैं। कढ़ाई में 3 कप चीनी डालेंगे, यानी 750 ग्राम चीनी है ये। इसमें 1 कप और थोड़ा पानी डालेंगे। अब गैस की फ्लेम को तेज आंच पर रखकर चीनी को हमें अच्छे से मेल्ट होने देना है। जब चीनी है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए तब फ्लेम को हमें मीडियम आंच पर रखकर इसमें एक तार चाशनी होने तक इसे हमें पका लेना है। चेक करते हैं, देखिए इसमें एक तार बन रही है। अब इसमें पीला कलर डालेंगे और अच्छे से मिलाएंगे और फ्लेम को करते हैं बंद। दूसरे चूल्हे पर हम काजू और किशमिश को फ्राई करने के लिए घी में कुछ काजू के टुकड़े डालेंगे और साथ ही किशमिश भी डालेंगे। ये अपने टेस्ट के अनुसार डालें। हल्का फ्राई कर लेते हैं जब तक कि किशमिश है वो हल्के फूल नहीं जाते हैं तब तक।
अब फ्लेम को करते हैं बंद। अब चाशनी में हम बूंदी डालते हैं, उसी के साथ आधा चम्मच इतनी इलायची पाउडर, फ्राई किए हुए काजू किशमिश है वो भी डालेंगे और अच्छे से मिलाएंगे इन चीज़ों को। चूल्हे को ऑन करते हैं, मीडियम आंच पर रखकर इसे हमें मिलाते हुए पका लेना है, जिससे बूंदी है वो हल्की सॉफ्ट हो जाएगी और चाशनी भी थोड़ी गाढ़ी बनती जाएगी। 10 मिनट तक इसे हमें मिक्स करते रहना है, जब तक कि मिश्रण गाढ़ा नहीं बन जाता है तब तक। आप देख सकते हैं बूंदी थोड़ी नरम हुई है। 10 मिनट के बाद गैस की फ्लेम को हम बंद करेंगे। इसके ऊपर ढक्कन लगाकर 15 से 20 मिनट के लिए इसे हमें ऐसे ही रखना है, जिससे हर एक बूंदी में चाशनी है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगी। 20 मिनट के बाद हम ढक्कन को निकालेंगे। देखिए हमारी मीठी बूंदी तैयार है। अगर आपको मीठी बूंदी बनानी हो ना तो इसी प्रकार मीठी बूंदी बनाइए। तो यहाँ पर हम इसके लड्डू बनाने वाले हैं, तो इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। मिश्रण अभी भी हल्का गर्म है, तो इसी टेम्परेचर में हमें इसके लड्डू बनाते जाना है, वरना ये ठंडा होने के बाद लड्डू अच्छे से नहीं बनेंगे। बूंदी को हल्के हाथों से गोलाकार शेप देते हुए इस तरह हम लड्डू बनाते जाएंगे। तो इस बूंदी लड्डू को हम प्लेट में रखेंगे। तो इसी प्रकार से हम लड्डू बनाते जाएंगे। बूंदी के लड्डू बनाना तो बहुत आसान है, तो त्यौहार पर इसे आप बनाइए, जैसे कि रक्षाबंधन, गणेश उत्सव, दिवाली, या फिर आपका जब भी मन करे तब आप इसे बनाइए। बूंदी को आप घी में फ्राई करें या फिर तेल में, बट घी में फ्राई किए हुए बूंदी के लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट रहते हैं। तो हमारे सारे लड्डू है वो तैयार हो चुके हैं। इसे आप 2 हफ्ते तक डिब्बे में रख सकते हैं। अगर आपने लड्डू को घी में बनाया है तो लड्डू को फ्रिज में ना रखें, और अगर आपने लड्डू को तेल में बनाए हैं तो आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं 1 महीने के लिए। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, लाइक करें और शेयर करें, और भी ऐसे ही रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को ना ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए घर का खाइए और अपना ख्याल रखें।